So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with a short story which is A Flowering Tree by A.K. Ramanujan. So let's dive into the introduction first. The introduction says that A Flowering Tree is a short story by A.K. Ramanujan in his 1997 book A Flowering Tree and Other Oral Tales from India. So A.K. Ramanujan ki ek book thi jiska naam tha A Flowering Tree and Other Oral Tales from India. To usi mein se hi ek short story hai Flowering Tree jo ki yahan pe di gayi hai. In actuality ye ek Kannada folklore hai jo ki Kannada language mein likhi gayi thi, but it was translated into English by A.K. Ramanujan. जो ये इनकी पूरी बुक है एक रामानुजन की, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि अलग अलग इंडिया के सदर्न पार्ट से कलेक्ट की गई है, एंड दिस इज वन अमंग देम. द स्टोरी वॉज कलेक्टेड इन सेवरल वर्जन्स इन कर्नाटका रीजन ओवर द स्पैन ऑफ 20 इयर्स बाय रामानुजन एंड हिज फेलो फोकलोरिस्ट. इट इज अ वुमेन सेंटर टेल. ये एक वुमेन से रिलेटेड टेल है और किस तरीके से वुमेन और नेचर के बीच में एक सिस्टरहुड या एक रिलेशनशिप बनती है वो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा. मेनी फेमिनिस्ट राइटर्स हैव रेगुलरली डन दिस, और यही काम बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर्स ने अपनी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज में करा है. Like most folk tales from around the world, A Flowering Tree synthesizes two discrete elements. इस Flowering Tree की story में दो discrete elements हैं. First है एक impossible narrative कि किस तरीके से एक लड़की tree में convert हो जाती है और किस तरीके से एक prince peasant की daughter से marry करता है. और दूसरा है mythic archetypes कि मिथिक आर्केटाइप से किस सोसाइटी का क्या बिलीफ है एक वुमेन से रिलेटेड, और किस तरीके से उसमें हम एक रिलेशनशिप कंबाइन करते हैं बिटवीन वुमेन एंड नेचर जिसमें सब लोगों के बिलीव्स अलग अलग हैं, बट वी ऑल नो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड नेचर. तो किस तरीके से ये मिथिक आर्केटाइप्स हैं वो भी हमें इस स्टोरी में दिखेंगे. अकॉर्डिंग टू रामानुजन हिमसेल्फ हु एनालाइज अ फोक टेल वाइल ट्रांसलेटिंग इट, ही सेज दैट इट इज अ स्टोरी ऑफ वुमेन्स इकोलॉजी एंड वल्नरेबल ऑफ हर इमर्जिंग सेक्सुअलिटी. और रामानुजन के हिसाब से भी एक ऐसी स्टोरी है जो कि वुमेन को इकोलॉजी से कनेक्ट करती है और बताती है कि किस तरीके से वो अपनी सेक्सुअलिटी की वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल है. दिस वॉज पब्लिश पोस्टमोस्टली एंड एडिटेड बाय स्टुअर्ट ब्लैकमन एंड एलन ड्यून्स अलॉन्ग विद अदर फोक टेल्स कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय रामानुजन. और ये इस स्टोरी को ओपेरा में भी दिखाया गया था 2006 में बाय जॉन एडम्स. सो द प्लॉट समरी, किसी दूर सर्टन टाउन में एक पुअर वुमेन रहती थी जिनकी दो डॉटर्स थी. जो यंगर डॉटर थी द नेम इज नॉट गिवन हेयर बट इट इज रिटन और मेंशनड इन सम ऑफ द स्टोरीज विच इज कुमुदा. सो द नेम ऑफ द यंगर डॉटर इज कुमुदा, जो कि अपनी इम्पॉवरिश्ड फैमिली को बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहती थी, बहुत ज्यादा उसे नीड थी अपनी फैमिली को हेल्प करने की. सो उसको एक रिचुअल के थ्रू वो एक ब्यूटीफुल ट्री में कन्वर्ट होती थी बाय परफॉर्मिंग अ स्ट्रेंज रिचुअल विद हर ओल्डर सिस्टर. दे केयरफुली परफॉर्म द रिचुअल विच रिक्वायर्ड टू पिचर्स ऑफ वॉटर, और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए दो पिचर्स चाहिए होते थे, दो घड़े चाहिए होते थे पानी के, एक जो कि ट्री में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए और दूसरा जो कि बैक टू ह्यूमन फॉर्म कन्वर्ट होने के लिए चाहिए. दे वीव्ड द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स इनटू गार्लैंड्स एंड सोल्ड देम एट द किंग्स पैलेस. और बिना किसी डैमेज करे हुए टू द ट्री जो ओल्डर सिस्टर थी वो यंगर डॉटर के ट्री से वहां से फ्लावर्स प्लक करती थी और उस फ्लावर से वो गार्लैंड्स बनाती थी और उन गार्लैंड्स को किंग्स पैलेस में बेचती थी. दे डिसाइडेड टू कीप दिस अ सीक्रेट फ्रॉम देयर मदर एंड सेव्ड द मनी फॉर द फ्यूचर. उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस पूरे रिचुअल और पूरी सेरेमनी को एक सीक्रेट रखेंगी अपनी मदर से और फ्यूचर के लिए पैसे को बचाएंगी. नाउ वन डे द प्रिंस डिस्कवर्स द गार्लैंड्स इन द पैलेस एंड गेट्स क्यूरियस अबाउट देयर ओरिजिन. और एक दिन जो प्रिंस है वो उन गार्लैंड्स को, उन मालाओं को देख लेते हैं और उनके ओरिजिन को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस क्यूरियस हो जाते हैं कि ये गार्लैंड्स हमारे पूरे किंगडम में नहीं मिलते हैं तो इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है. ही फॉलोड द गर्ल्स बैक टू देयर हाउस. उन्होंने लड़कियों का पीछा करा उनके घर तक. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट डॉन ही वेंट टू देयर हाउस एंड हिड बिहाइंड अ ट्री एंड एवेंचुअली सॉ द सीक्रेट ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स. और नेक्स्ट मॉर्निंग दिन में वो उनके घर में गए और पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि किस तरीके से इन फ्लावर्स का ओरिजिन होता है, यानी कि उन्होंने उन दोनों सिस्टर्स को उस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए देख लिया. ही आस्क हिज पेरेंट्स किंग एंड क्वीन टू मैरी द गर्ल दैट सोल्ड फ्लावर्स एंड टोल्ड देम द सीक्रेट्स. उन्होंने प्रिंस ने अपने पेरेंट्स से कहा जो कि किंग और क्वीन थे उस किंगडम के कि उन्होंने उस लड़की से जो यंगर डॉटर है जो ट्री में कन्वर्ट हो सकती है उन्हें उनसे शादी करनी है और उनके उस सीक्रेट को भी
बता दिया, रिवील कर दिया। जो मिनिस्टर थे उन्होंने उन लड़कियों की मदर को समन करा और उस प्रपोजल को प्रेजेंट किया। उन्होंने पहले मना करा बट लेटर ऑन उन्होंने हाँ कर दी। लेटर एट हर हाउस द यंगर डॉटर हैड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्री टू पैसिफाई हर एंग्री मदर। और बाद में घर पर अपनी अपनी मदर का गुस्से को पैसिफाई करने के लिए यंगर डॉटर को सच्चाई बतानी पड़ी कि किस तरीके से वो एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट होती है। After the wedding, several nights passed without him speaking to her or touching her. Now, after the wedding of the prince and the younger daughter, that is Kumuda, बहुत सारी रातें चली गई लेकिन उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। Finally, he makes his demand और एक रात उन्होंने उन्हें अपनी डिमांड बताई कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी सिर्फ उनके लिए। Ashamed, उन्होंने पहले मना करा इस बात के लिए बट फाइनली उन्होंने उस सेरेमनी को परफॉर्म करा। हर एनवियस सिस्टर इन लॉ वॉच हर डू द ट्रांसफॉर्मेशन वन नाइट। तो उनकी जो एनवियस सिस्टर इन लॉ थी यंगर डॉटर की, उन्होंने उन्हें देख लिया उस ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए। एंड शी वॉज फोर्स टू ट्रांसफॉर्म इन टू अ ट्री एंड ब्रोक हर ब्रांचेज वाइल प्लकिंग द फ्लावर्स। और इसके बीच में एक ऐसी स्टोरी हुई थी कि जब प्रिंस और किंग पैलेस में नहीं थे तो जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने उस कुमुदा को फोर्स करा अपनी फ्रेंड्स के साथ कि वो उनके सामने एक ट्री में कन्वर्ट हो, और उन्होंने वो रिचुअल अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। उनके ऊपर पानी इधर उधर इनडिफरेंटली डाला और उनकी ब्रांचेस को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हार्म हुई। और जब वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आई तो उनके हाथ नहीं थे और उनके कोई पैर नहीं थे, तो उनकी सिर्फ हाफ बॉडी थी। और शी वॉज अ वुंडेड कारकास, ठीक है, और जिसकी वजह से उन्हें बाद में वहीं छोड़ दिया गया पैलेस के बाहर, क्योंकि जो सिस्टर इन लॉ थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि उनके हाथ और पैर नहीं है, और बाद में वो एक गटर में जाकर गिर गई। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग अ कॉटन वैगन ड्राइवर स्पॉटेड हर एंड रेस्क्यूड हर फ्रॉम द गटर। और गटर से बहते बहते उन्होंने एक कॉटन वैगन ड्राइवर ने उन्हें देखा और वहां से उन्हें रेस्क्यू करा। उन्होंने उनकी नेकेड बॉडी को कवर करा विद द हेल्प ऑफ हिज टर्बन क्लोथ और उन्हें एक पवेलियन पर ऐसे ही छोड़ दिया। तो उनके हस्बैंड की जो एल्डर सिस्टर थी, जो कि उन एल्डर सिस्टर जो थी उनकी शादी इसी टाउन में हुई थी, ठीक है। अब जो प्रिंस थे उनके दो सिस्टर थी, एक एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर। तो जो यंगर सिस्टर इन लॉ थी उनकी वजह से कुमुदा की ये हालत हुई थी, लेकिन जो एल्डर सिस्टर थी वो इस टाउन में रहती थी क्योंकि उनकी शादी इस टाउन के प्रिंस के साथ हुई थी। सो द पैलेस सर्वेंट्स इन्फॉर्म द क्वीन अबाउट हर। द पैलेस के सर्वेंट्स, उन्होंने क्वीन को बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे एक चीज है। शी वॉज ब्रॉट टू द पैलेस और कुमुदा को पैलेस लाया गया। वहां पे उन्हें अच्छे से बात और हील किया गया और डेकोरेशन के तौर पर पैलेस के मेन गेट पे रखा गया एज अ थिंग। मीन वाइल द प्रिंस डिस्ट्रॉट एट हर वाइफ्स डिसअपीयरेंस। और मीन वाइल उस किंगडम में जो प्रिंस थे उन्हें ये लगा कि उनकी जो वाइफ है वो उनकी एरोगेंस की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई है, और इसी दुख में वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक भिखारी और वॉन्डरर बन गए अक्रॉस द कंट्री। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द प्रिंस हगार्ड एंड अनरिकग्नाइजेबल रीच्ड हर एल्डर सिस्टर्स टाउन। और इसी तरीके घूमते घूमते जो प्रिंस थे वो अपनी बड़ी बहन के टाउन पहुंचे, और शॉक में क्वीन ने अपने भाई को पहचान लिया और वो उन्हें अपने पैलेस लेकर आए जहां पर उन्हें अच्छी तरीके से उनकी केयर की गई, बाथ हेड और उन्हें खाना वाना दिया गया। और इस बीच में उन्होंने एक भी सिंगल वर्ड अपनी बहन या किसी के साथ शेयर नहीं करा। हिज सिस्टर वॉज वरिड एंड ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज टू मेक हिम स्पीक। उनकी सिस्टर जो थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्होंने बहुत सारी तरीके की डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कि जिस तरीके से वो अपने भाई से कुछ बुलवा सके। वन डे शी सेंड द हाफ बॉडी ऑफ हिज वाइफ इन द होप दैट द ब्यूटी वुड मूव हिम। और एक दिन उन्होंने उनकी वाइफ की जो हाफ बॉडी थी, उन्हें पता नहीं था कि द थिंग विच वॉज kept as a decoration at the front door of the palace that was his wife. So hope में कि वो उनके साथ थोड़ा खुश होंगे, उसे देखकर थोड़ा खुश होंगे, तो उन्होंने उस wounded carcass को अपने brother के पास भेजा। So the prince immediately recognized his lost wife और उन्होंने जो उनकी wife थी, she also has never uttered a single word in those whole years when she was missing. So उन्होंने उस पूरे कंप्लीट इंसिडेंट को प्रिंस को बताया। She asked him to perform the ritual. उन्होंने प्रिंस से कहा कि वो उस रिचुअल को फिर से अच्छी तरीके से और ठीक तरह से परफॉर्म करे ताकि वो एक ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सके, और ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इस रिचुअल को परफॉर्म करा और उस मेथड से काम बन भी गया। द क्वीन बिड देम फेयरवेल। और जो क्वीन थी उस वाले किंगडम की, जो कि प्रिंस की बड़ी बहन थी, उन्होंने वो बहुत ज्यादा खुश हुई अपने ब्रदर और अपनी उनकी वाइफ को देखकर, और उन्हें वहां से फेयरवेल
कर दिया. द किंग प्रिंस फादर वॉज ओवरजॉयड एट द रिटर्न ऑफ हिज लॉन्ग लॉस्ट सन एंड डॉटर इन लॉ. और बाद में जब प्रिंस अपनी वाइफ के साथ वापस अपने किंगडम आए तो जो किंग थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए उन्हें देखकर. और सच्चाई जानने के बाद जो किंग थे उन्होंने अपनी सबसे यंगेस्ट डॉटर को, जो यंगेस्ट डॉटर थी और जो यंगेस्ट सिस्टर थी प्रिंस की, उन्हें पनिशमेंट के तौर पर बैरल्स में डाल दिया गया जिसमें गरम लाइम वाटर था. ठीक है. और जिन लोगों ने ये सब देखा उन्होंने कहा कि दैट आफ्टर ऑल एवरी रॉन्ग हैज इट्स पनिशमेंट. सो दैट वॉज द हार्ड पनिशमेंट विच वॉज गिवन टू द यंगर डॉटर ऑफ द किंग. नाउ द थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी आर, द फर्स्ट थीम इज इको फेमिनिज्म. दिस फॉक टेल शोज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड द नेचर. इको फेमिनिज्म, इको रिलेट्स टू द इकोलॉजी एंड फेमिनिज्म रिलेट्स टू द womanhood. So ecofeminism which shows a strong connection between woman and nature, जो connection है जिस तरीके से woman tree में convert होती है वो एक हर culture में दिखाया गया है. The relevant one is that कि जब women menstruate करती है that is also equivalent to flowering, क्योंकि संस्कृत में एक menstruating woman को पुष्पवती कहा जाता है, that is a woman in flower, and which symbolizes something of creativity. When a flower is created by a tree, then later on a fruit is produced. Similarly, when a woman is menstruating, that represents her capability to create something. So, जो creation वाली ability है, ये symbolize करती है कि किस तरीके से woman और nature आपस में interconnected है. Thus, a woman's biological and other kinds of creativity are symbolized by flowering. So, woman की biological और other types of creativity ये flowering के through symbolize होती है. इस टेल में इस मेटाफोर के ऊपर ही लिटरलाइज, इस मेटाफोर के ऊपर ही ध्यान दिया गया है और इसको एक्सटेंड किया गया है. जो प्रोटोगनिस्ट है कुमुधा, वो लिटरली एक ट्री में कन्वर्ट होती है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है अगेन एंड अगेन ऑन द ओकेजन एज पर द रिक्वायरमेंट. और ये उनका एक स्पेशल गिफ्ट है विच इज गिवन टू हर. ठीक है. सो दिस इज द गिफ्ट ऑफ द क्रिएटिविटी विच इज गिवन टू एवरी वुमेन. नाउ द नेक्स्ट थीम which is in this story is, which is woman's sexuality and vulnerability. Ramanujan also points out the ritual relating to her flowering symbolizes sexual activity or ritual. Ramanujan ne ye bhi point out kiya tha ki jab jo kumuda thi, jab wo flower mein convert hoti thi for her husband, that represents the sexual relationship between her and the prince. Aur ye ek display tha unke spectacular talent ka, jo ki unke husband ko arouse karta tha ki kis tarike se wo ek tree mein convert hoti thi aur un फ्लावर्स के ऊपर ही वो दोनों अपने आप को, अपने उन दोनों की कंपनी को एंजॉय करते थे. इन अ वे विच बिगेन इन अ वे इन विच पीपल बिगेन टू ट्रीट हर एज अ थिंक. और बाद में फिर लोग उन्हें एज अ थिंक करके ही बुलाने लगे, ऑब्जेक्टिफिकेशन होने लगा एक तरीके से, विच इज आस्किंग हर टू मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ हरसेल्फ बाय डिस्प्लेइंग हर सीक्रेट गिफ्ट. इवन द फर्स्ट टाइम व्हेन शी हरसेल्फ बिकम्स अ ट्री टू सेल हर फ्लावर्स, सी मेक ऑफ हरसेल्फ अ कमोडिटी. और पहली बार भी जब वो ट्री में कन्वर्ट हुई थी तो उन्होंने अपने आप को एक कमोडिटी के रूप में बेचा था टू अर्न अ लिविंग. सो दिस सिंपलाइज द वल्नरेबल पोजिशन ऑफ द वुमेन इन आर सोसाइटी. The woman is most open to injury when she is most attractive and when she is exercising her gift of flowering. And this is said, mostly oftenly said, that a woman is open to injury when she is attractive or when she is exercising her gift of flowering. Each time she becomes a tree, she begs the one who is pouring the water to be careful not to hurt her. और जब भी वो एक ट्री में कन्वर्ट होती थी, जो भी उनके साथ रिचुअल परफॉर्म करता था वो उसे बेग करती थी, उससे रिक्वेस्ट करती थी कि वो उनको अच्छे से केयरफुली उनके साथ ट्रीट करे विद टेंडर एंड केयर, अदरवाइज शी विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इन अ proper human form. Yet paradoxically, when she is mutilated, she cannot be healed directly. लेकिन जब उन्हें mutilate किया गया, जब वो अच्छी तरीके से एक human form में नहीं कर पाई, तो उन्हें अच्छी तरीके से फिर heal भी नहीं किया गया. She can be made whole only by becoming the tree again. और उन्हें एक पूरी अच्छे तरीके से human form में आने के लिए बाद में एक tree में convert होना ही पड़ा. Symbolically speaking, the tree isolates and gives form to her capacity to put forth flowers and fragrances from within, a gift in which she could glory as well as the vulnerability that goes with it. It expresses a young woman's desire to flowers sexually and otherwise, and with the dread of being ravaged the very gift brings with it. So this is what you have to write in this theme, कि किस तरीके से सोसाइटी में वुमेन की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है एंड शी इज ऑफन क्रिटिसाइज ड्यू टू हर सेक्शुअलिटी इन द सोसाइटी.
Now the next is Woman's Place in Society. This is the last theme for this short story, which says in a woman's tale like this one, the true antagonist as well as the helper of the woman is another woman. और इस स्टोरी में जो एक वुमेन है वो ही एक वुमेन की हेल्पर भी है और एनिमी भी है. बिकॉज द कुमुदा विच इज द यंगर डॉटर, शी इज हेल्प बाय हर ओल्डर सिस्टर, शी इज हेल्प बाय हर मदर, बट शी इज क्रिटिसाइज बाय हर यंगर सिस्टर इन लॉ विच इज नॉट मैरिड, बट शी इज ऑल्सो हेल्प बाय हर एल्डर सिस्टर इन लॉ. जो प्रिंस की बड़ी बहन थी उन्होंने उनको हेल्प किया था बिकॉज शी इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज अ गर्ल फेसेज आफ्टर हर मैरिज. बट द यंगर सिस्टर इन लॉ विच इज नॉट मैरिड, शी इज एनवियस ऑफ द शी इज एनवियस ऑफ कुमुदा बिकॉज शी हैज दैट गिफ्ट ऑफ कन्वर्टिंग हर सेल्फ इन टू अ ट्री. सो दिस इज हाउ अ वुमेन इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ अ वुमेन एंड ऑल्सो एन एनिमी ऑफ द अदर. दिस फॉकटेल क्वेश्चंस अ बेसिक नीड ऑफ एनी वुमेन, दैट इज सिक्योरिटी. सो द फॉकटेल क्वेश्चंस अ बेसिक थिंक विच इज सिक्योरिटी. जो कुमुदा है वो अपनी सिस्टर के साथ सेफ है, वो अपनी मदर के साथ सेफ है, बट शी इज नॉट सेफ विद हर न्यूली वेडेड हस्बैंड जो कि सिर्फ उनके टैलेंट की कदर करता है मोर देन हर सेल्फ. वो अपनी सिस्टर इन लॉ जो कि टीनेज है, यंगर है, उसके साथ सेफ नहीं है. एंड शी इज नॉट सेफ विद हर मदर इन लॉ. वो प्रॉबेबली अपनी मैरिड सिस्टर इन लॉ के साथ साथ सेफ है बिकॉज द मैरिड सिस्टर इन लॉ इज अवेयर हाउ अ वुमन इज ट्रीटेड आफ्टर द मैरिज. ठीक है. एंड लास्टली विद अ हस्बैंड हु थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉस हैज मैच्योर्ड इनफ टू केयर फॉर हर एज अ पर्सन. और बाद में जब कुमुदा चली गई थी, जाने के बाद उनके हस्बैंड को रियलाइज हुआ कि उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस की उनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई, हाउ मच ही हैज केयर्ड अबाउट हर बट इन हर एब्सेंस ओनली. सो दैट रिप्रेजेंट्स हाउ अ वुमेन इज ट्रीटेड इन आवर सोसाइटी. अनलेस एंड अदरवाइज शी इज नॉट मेड एब्सेंट इन समवन्स लाइफ, नो वन रियलाइज्ड हर इम्पोर्टेंस. सो द स्टोरी क्लियरली पॉइंट्स आउट द टॉर्चर्स विच आर फेस्ड बाय द वुमेन इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. एंड शी इज supposed to be obedient to her husband and in-laws. So this says that a girl or a woman in society is always supposed to be obedient to her husband and in-laws. So when during her childhood she is obedient to her parents, to her mother or her father, after the marriage she is obedient to her husband and she is obedient to her in-laws. So and most of the time उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि उनके अप्रूवल के बिना भी होते हैं. सो इस स्टोरी में वो 5 बार कन्वर्ट हुई है इन टू अ ट्री, बट आउट ऑफ दोज 5 times देर आर ओनली out of those there were only two times जो कि वो अपनी इच्छा से कन्वर्ट हुई थी. द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, द फर्स्ट वेन शी यूज दोज फ्लावर्स टू अर्न अ लिविंग एंड द लास्ट टाइम वेन शी कन्वर्टेड इन टू अ ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म. सो द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इज अनदर स्ट्रॉन्ग इश्यू. सो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कुड बी एन अनदर थीम फॉर दिस. You can write an another theme that is objectification of women, जो कि एक strong issue है कि किस तरीके से जब उनकी mutilation हुई थी तो उन्हें decoration के तौर पर एक thing के उसमें रखा गया था out of the front door of the palace. ठीक है. So this also represents the objectification of women because the younger daughter Kumuda was beautiful and she was kept as a thing at the door of the palace. So even before that she is continuously demanded to transform into a tree just for pleasure. और उससे पहले भी वो हमेशा सिर्फ अपने husband के pleasure की वजह से ही convert होती थी into a flowering tree. Her emotions and wishes were of no regard whatsoever. और उनके husband जो था वो भी उनके emotions और wishes को इतनी ज्यादा regard नहीं देता था. So this is how a woman is objectified and is placed in our society. So I hope you are able to understand this. Thank you so much for watching this video.